नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी के बिगड़े रिश्ते सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां आलिया ने नवाजुद्दीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं लंबी खामोशी के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब एक्शन में आ गए हैं। हाल ही में नवाजुद्दीन ने सभी आरोपों से तंग आकर अपनी एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी और अपने भाई शमसुद्दीन पर 100 करोड़ रुपयों की मानहानि का मुकदमा ठोका था। वही अब खबर आ रही है कि नवाजुद्दीन ने एक्स वाइफ और भाई से कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की पेशकश रखी है। जी हाँ, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि नवाजुद्दीन ने एक्स वाइफ को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का ऑफर दिया है। नवाज आलिया के साथ झगड़े को सुलझाना चाहते हैं। नवाजुद्दीन ने अपने बच्चों की खातिर वकील के जरिए एक्स वाइफ को मैसेज भिजवाया था। आपको बता दे कि नवाजुद्दीन आलिया शमसुद्दीन के एक केस की सुनवाई हाल ही में होनी थी। इस केस की सुनवाई और मानहानि के मुकदमे के बीच सेटलमेंट का नोटिस मिलना आलिया को जरा हैरत में डाल गया। वकील की ओर से जारी स्टेटमेंट में एक्स वाइफ ने नवाज की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि 100 करोड़ के मानहानि केस के अचानक बाद इस तरह से सेटलमेंट की बात करना अजीब है। अगर वो चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर बात रफा दफा की जाए तो पहले मानहानि केस को वापस लेना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 मार्च को नवाजुद्दीन और आलिया के एक और केस की सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को उत्पीड़न के मामले को आपस में ही सुलझाने का निर्देश दिया था। वही आलिया सिद्दीकी के वकील ने कहा कि नवाज ने 20 तारीख को 100 करोड़ का डिफेमेशन केस का नोटिस भेजा, फिर 5 दिन बाद हमें सेटलमेंट का ड्राफ्ट भेजा, तो फिर मानहानि के मुकदमे का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि न्यूज आ रही है तो लोगों को लग रहा है कि हम डर के मारे सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब नवाज की तरफ से हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी बीच में हैं, तो हम सेटलमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। वेल, इनकी ये लड़ाई कब खत्म होगी और कितने नए ट्विस्ट सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।